अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। संभल के ग्राम अलीपुर खुर्द के एक लगन समारोह में खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब भात भरने आए मामा की अचानक गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल देर रात लगन समारोह में एक शख्स शराब के नशे में धुत होकर राइफल लिए पहुंचा था और उसने अचानक ही फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली दूल्हे के मामा को जा लगी। गोली लगते ही वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने घायल मामा को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि मामला आपसी रंजिश का है, लेकिन सवाल ये है कि तमाम आदेशों के बाद भी हर्ष फायरिंग रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही। आइए इस मामले की पूरी जानकारी संभल के एसएसपी आलोक कुमार जायसवाल से लेते हैं। ये कल जो है बिसारू गांव के दिनेश थे, जो अलीपुर खुर्द में अपने बहनोई के यहाँ भात लेकर आए थे। दिन में ये शाम को वापस जा रहे थे, तो बगल के गांव के ग्रीस लेके आदमी था, जिससे किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई। उसने अपने लाइसेंस ही हटाया थे, उनके पैर में गोली दौरान इलाज इनकी मदद हो गई। मुकदमा लिखा गया है, ग्रीस गिरफ्तार है, उसकी राइफल भी जब्त है, बाकी छानबीन चल रही है। किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? 302 सीधे है, इसमें जो है डेथ हो गई गोली लगने से।